नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माय नेम इज़ जेवीएन सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, प्रोग्राम बीएड, कोर्स नेम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, सेशन नेम आइडियोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला यूनिवर्सिटी जयपुर। व्हाट इज़ आइडियोलॉजी? जिसे नाम से ही इसके पता चलता है, आइडियोलॉजी, विचारधारा। अगर हम थिएटर में आइडियोलॉजी की बात करें तो थिएटर में आइडियोलॉजी होती है। हर इंसान अपनी एक आइडियोलॉजी रखता है। आइडियोलॉजी से होता है कि हम किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, और ये आइडियोलॉजी हमें अपनी सोसाइटी से, अपने पड़ोस से, अपनी फैमिली से, इत्यादि जगह से हमें मिलती है। तो अगर इंडिया में आइडियोलॉजी की बात करें तो एक लेफ्ट और राइट, दो आइडियोलॉजी ज़्यादा फेमस हैं। अगर हम ड्रामे में आइडियोलॉजी की बात करें तो कुछ लोग, वो की आइडियोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग ड्रामा, प्ले, मूवी, सीरियल आदि बनाते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ऐसे कोई ऐसे हम एकता कपूर के सीरियल्स वगैरह को लिखते हैं, तो वो एकता कपूर के अधिकतर जो टीवी पे सीरियल्स आते हैं वो महिलाओं के, लड़कियों के मुद्दे पे ज़्यादा सीरियल्स बनाती है। तो देखा जाए तो वो, उसकी आइडियोलॉजी महिलाओं के प्रति है कि महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को दिखाना, उनको ठीक करना। ऐसे ही अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, और आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही कुछ प्रोड्यूसर होते हैं या फिर कुछ डायरेक्टर होते हैं, जो अपने प्ले को, अपनी मूवी को उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग समाज को सही करने के लिए बनाते हैं। अगर हम एजुकेशन में आइडियोलॉजी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजी के होते हैं। कोई साउथ से होता है, कोई नॉर्थ से होता है, कोई गांव से होता है, कोई सिटी से होता है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी सोसाइटी बैकग्राउंड, उनकी सोच बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। इसके लिए आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए टीचर को उनकी आइडियोलॉजी को समझना ज़रूरी होगा कि वो किस परिवेश से आए हैं, उनका रहना, खाना पीना, उनकी सोच किस प्रकार से। तो एक टीचर को उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना और उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको हैंडल करना, फिर उनको जो भी मैसेज है, जो भी एजुकेशन है, जो भी पढ़ाई है, वो डिलीवर करना आइडियोलॉजी कहलाता है। थैंक यू।